Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today, we are here with our economic topic, that is 10, Budget Part 2. See, we have gone through in Part 1 that what is budget, right? We have learned the importance of budget. We have learned the meaning of budget, how India works on budget. I have given lots of examples related to budget. Ke budget ko commonly agar samjhe to budget kya hai? राइट एंड लास्टली हमने ये भी देखा कि बजट्स आर ऑफ टू टाइप्स बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट इन बैलेंस्ड बजट वी हैव गॉन थ्रू दैट कि व्हेनेवर देयर इज एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम राइट एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम दैट इज वी कॉल्ड व्हाट अनबैलेंस्ड बजट ओके एंड बैलेंस बजट दैट इज के हमेशा इनकम के बेस पर एक्सपेंडिचर होना चाहिए अनबैलेंस बजट आर ऑफ टू टाइप्स डेफिशिएंट बजट वी हैव गॉन थ्रू इट राइट सो वही से यहाँ कंटिन्यू करेंगे हमने डेफिशिएंट बजट्स के मैरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लिए थे कि डेफिशिएंट बजट क्या होता है डेफिशिएंट बजट यूजुअली होता है कि जब एक्सपेंडिचर इनकम से बढ़ जाता है तो डेफिशिएंट क्रिएट होता है और ये हम अपनी बैलेंस शीट्स में शो करते हैं ठीक है उसके मैरिट्स और डीमेरिट्स वी हैव ऑलरेडी सीन सो लेट्स स्टार्ट इट अब आता है सरप्लस बजट सरप्लस बजट यानी क्या अनबैलेंस बजट का सेकंड पार्ट है ये अ सरप्लस बजट इज वन इन विच द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस देन इट्स टोटल एंटिसिपेटेड इनकम सरप्लस बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट कम खर्च करती है अपने इनकम से जो एंटिसिपेटेड इनकम है सो वी कैन से कि ये डेफिशिएंट बजट का वाइस वर्सा हुआ ठीक है डेफिशिएंट बजट में एंटिसिपेटेड इनकम से वो ज्यादा खर्च करती है सरप्लस बजट में एंटिसिपेट इनकम से वो कम खर्च करती है हो सकता है किसी ईयर ये भी हुआ हो कि हमारी इनकम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अर्न हुई हो जैसे गवर्नमेंट को ज्यादा जितनी यूजुअल एक्सपेक्टेशन होती है उससे ज्यादा इनकम अगर अर्न हुई है दैट इज वी कैन से सरप्लस तो हो सकता है कि वो उस इनकम में से पूरा खर्च ना करे राइट उससे जितनी जरूरी है उतना ही खर्च करें दिस मीन्स द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग मोर रेवेन्यूज फ्रॉम सिटीजन बाय वे ऑफ टैक्सेस देन व्हाट इट इज स्पेंडिंग फॉर द सिटीजन्स अब यहां इसका मतलब ये हो गया कि वो टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट लोगों से तो ही ये इनकम एंटिसिपेटेड इनकम सरप्लस होगी ज्यादा होगी और उसी जगह जब उनके पास इतनी सारी इनकम है और वो खर्च बहुत कम कर रही है सिटीजन्स पर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज विल बी लोअर इन द वे इकोनॉमी तो यहाँ फिर ऐसा हो जाएगा कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज जितनी होनी चाहिए पैसा होते हुए भी गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही है और वहीं वो लोगों के पास से ज्यादा टैक्स वसूल रही है बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट इज ओनली टैक्सेस ओके सो इन रियलिटी मोस्ट गवर्नमेंट्स डू नॉट डू दिस यूजुअली ऐसा बहुत नहीं होता है दिस टाइप ऑफ बजट इज यूजुअली सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज ये जो सरप्लस अमाउंट बच जाता है इनकम का ये पॉसिबिलिटीज डेवलपिंग टाइप ऑफ कंट्रीज में होता ही नहीं है ये आप डेवलप्ड कंट्रीज में ही ऑब्जर्व कर सकते हो लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट मेरिट्स क्या है एडवांटेजेस क्या है This budget is useful in times of severe inflation. अब ये जो surplus budget, जैसे हमने देखा कि भाई बहुत ज्यादा income हो गई है तो उतना खर्च नहीं किया government ने जितनी income हुई है उतना खर्च नहीं किया Instead बहुत कम खर्च किया तो बाकी का पैसा बहुत बार ऐसा होता है कि inflation जैसे situations जब आ जाती है We all know the meaning of inflation, right? हमने already ये chapters में पढ़ लिया inflation, boom, deflation and all such, okay? Depression भी कह सकते हैं तो ये इन्फ्लेशन के वक्त पैसा काम आ सकता है व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस अगर गवर्नमेंट कम खर्च करती है राइट एम्प्लॉयमेंट पे इनकम एंड डिमांड रिड्यूस एंड इन्फ्लेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड तो इसका फायदा ये होगा कि इनकम और डिमांड ये दोनों चीजें रिड्यूस हो जाएगी और क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यानी इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है बिकॉज फ्लो ऑफ मनी इज कंट्रोल्ड There is no burden of borrowing. सबसे बेस्ट फायदा इसका यह है कि कोई उधार जैसी चीज नहीं होगी जो अभी इंडिया पे बहुत है राइट क्योंकि सरप्लस इनकम होने की वजह से क्या होगा और दूसरा कि हम पूरा पूरा खर्च नहीं कर रहे हैं इसका फायदा ये होगा कि वी हैव सेविंग्स अलॉट सेविंग्स ओके
सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस विच कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट इन फ्यूचर पीरियड्स. अगर आज गवर्नमेंट ने वो पैसा नहीं खर्च किया तो क्या हुआ, वो पैसा सेविंग्स के तौर पे पड़ा रहेगा और वो फर्दर डेवलपमेंट के वक्त जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूटिलाइज हो सकता है. सो लेट्स मूव ऑन टू डीमेरिट्स. पीपल आर मेड टू पे मोर टैक्सेस. अब यहाँ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि भाई गवर्नमेंट पब्लिक के पास से, जैसे अभी का सिनेरियो यू जस्ट लुक फॉरवर्ड, कि गवर्नमेंट पब्लिक के पास से इतना टैक्स वसूल रही है. आप पेट्रोल के दाम देखो, महंगाई इतनी बढ़ रही है, राइट? पीपल आर पेइंग पेइंग एंड पेइंग, बट इंस्टेड व्हाट दे आर गेटिंग, वेदर दे आर गेटिंग सच टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना पे कर रहे हैं, क्या हमें वो रोड्स मिल रहे हैं? यहां सिनेरियो ये हो जाता है कि सिर्फ पब्लिक ही लूटी जा रही है या पब्लिक ही पे कर रही है, बट इन रिटर्न व्हाट फैसिलिटीज या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे रिक्वायर्ड, दे आर नॉट गेटिंग दैट. तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट हो जाता है कि पीपल आर मेड टू पे मोर टैक्सेस टू एनहेंस गवर्नमेंट इनकम्स. अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए लोगों के पास से ज्यादा टैक्सेस वसूलात किया जा रहा है, बट अगर वेलफेयर के तरफ देखे हम या डेवलपमेंट की तरफ देखे हम, दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूसेस, तो वहां खर्च कम कर दिया इन लोगों ने. इफ देर इज नो इन्फ्लेशन और देर इज डिफ्लेशन, देन लोअर स्पेंडिंग विल रिजल्ट इन लोअर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्रोडक्शन, विच मे लीड टू डिप्रेशन इन द इकोनॉमी. अगर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति नहीं है और गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, यानी डेवलपमेंट पर वो काम नहीं कर रही है, उसने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, इनकम भी कम हो गई, राइट? लोगों की इनकम, ओके, प्रोडक्शन भी कम होगा, तो फिर ये स्थिति डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी, ठीक है? फिर कंट्री में डिप्रेशन जैसे इश्यूज क्रिएट होंगे. इफ द सरप्लस इन द बजट परसिस्टेंटली राइजेस फॉर सेवरल इयर्स, देन देयर मे बी प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेस सेविंग्स. अगर यही सरप्लस बजट परसिस्टेंटली बढ़ता जाता है कुछ सालों तक, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारे पास एक्सेस, यानी गवर्नमेंट के पास एक्सेस सेविंग्स है, और उस सेविंग्स का अगर वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं या किस तरीके से किया, ये हिसाब कभी किसी को नहीं मिलता. ओके, नाउ कम्स अकाउंट्स ऑफ बजट. बजट का अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है. In order to thoroughly understand the concept of a budget, it is necessary to get an idea of the accounts of a budget. Budget ke concept ko thoroughly, point to point samajhne ke liye bahut zaruri hai ke hum accounts of a budget samjhe. By the rules of accounts, every budget has two sides. Agar hum accounts to padhte hi hai, you are very well knows, right? So, रूल्स, अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से हमेशा दो साइड होती है. एक होती है क्रेडिट साइड, जहां हम इनकम्स पुट फॉरवर्ड करते हैं, वो इनकम गवर्नमेंट की होती है, वो सारे रिकॉर्ड वहां होते हैं. और दूसरी होती है डेबिट साइड, जहां हम पूरा खर्च दिखाते हैं. ओके, सो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन बोथ साइड इज एज अंडर. तो दोनों के क्लासिफिकेशन को समझते हैं. लेट्स सी ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड को समझते हैं. जैसे हमने देखा कि दो अकाउंट्स बनते हैं क्रेडिट साइड के भी, ठीक है? देयर आर टू अकाउंट्स ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, करंट इनकम्स एंड कैपिटल इनकम्स. करंट इनकम्स जिसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू इनकम, दूसरा होता है कैपिटल इनकम. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस. सी, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो, बिकॉज आपका एक अकाउंट सब्जेक्ट आता है, उसके लिए भी ये डेफिनेशन समझना और अकाउंट्स बहुत ईजी हो जाएगा. और ऑलरेडी आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो ये टर्म्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे. रेवेन्यू इनकम, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, फीस एंड फाइन्स फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज एक्सेट्रा, कंसिड्यूट द रेवेन्यू इनकम. अब जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस पब्लिक से लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस जो हम इनकम टैक्स के तौर पे करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी सेल्स टैक्स पे किया, हर एक चीज पे हम जीएसटी डाल रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं. प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसके अलावा पब्लिक एंटरप्राइजेस से जो प्रॉफिट मिलते हैं, यानी गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा, वो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से है. पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, थर्ड फीस एंड फाइन्स फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज. आज हमने देखा कोविड के नाम पे मास्क नहीं पहनने पर,
जैसे बाद में एक ट्रैफिक रूल्स निकला, हेलमेट पहनो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, इन सब के चक्कर में पब्लिक से करोड़ ऑफ रुपीज वसूलात हुआ है। तो ये होता है उनकी फीस एंड फाइन्स, ठीक है, कि वहां से पब्लिक यूटिलिटीज के चक्कर में उन्होंने जितना भी कमाया। ये सारी चीजें रेवेन्यू इनकम में आती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट इनकम, इसको हम करंट इनकम भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इनकम। एक्चुअली ये हम कह सकते हैं वेरिएबल इनकम है, राइट। ये लॉज चेंज हुआ सडनली और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ठीक है। सो इसको हम करंट इनकम कहेंगे। एज द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर मेड ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ करंट पीरियड, क्योंकि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर यानी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही एक करंट पीरियड में ट्रांजेक्ट किया जाएगा, ओके। अब आता है कैपिटल इनकम। दीज रिसिप्ट आर फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच हैव लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट फंड। ये रिसिप्ट कहां से आते हैं या ये इनकम कहां से आती है? ये इनकम उस ट्रांजेक्शन से आती है जो एक तो लॉन्ग टर्म होती है या कंटिन्यूस इम्पैक्ट डालती है या कंटिन्यूस फॉर्म में आती है, विच वी कैन कॉल एज अ फिक्स्ड इनकम्स ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, ठीक है। इनकम जनरेटेड बाई गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट इन इट्स ओन कंट्री एंड अब्रॉड, बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, इनकम फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अब ये इनकम कहां से जनरेट होगी? ये इनकम या तो उधार लिया या लोन्स लिए, मार्केट में से रुपया उठाया अपनी ही कंट्री से या अब्रॉड से, या फिर सेंट्रल बैंक के पास से पैसा उठाया, या इनकम डिस इन्वेस्टमेंट किया। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत कुछ डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज थी उन्हें सब कुछ बेच बाच के क्या कर दिया है, प्राइवेट में डाल दिया है, सब कुछ बेच दिया। तो इसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। वी हैव ऑलरेडी नो द टर्म ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैपिटल इनकम में रिकॉर्ड होगी। नाउ डेबिट साइड देखते हैं। डेबिट साइड में भी सेम दो टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, करंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड में करंट इनकम और कैपिटल इनकम होती है, क्योंकि डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर डालते हैं, सेम फंडा है, सिर्फ यहाँ इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर होगा डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में इनकम होगा। करंट एक्सपेंडिचर्स देख लेते हैं। अब करंट एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या, कि करंट एक पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज दी, या ऑलरेडी अगर गवर्नमेंट ने लोन ले रखी है तो उसको उसके इंटरेस्ट पे किया, पेंशन्स दिया, सब्सिडीज दी, ग्रांट्स दिए, करंट एक्सपेंसेस हुए डिफेंस पर, तो ये सारी चीजें करंट एक्सपेंडिचर में जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस सेम जो लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस इंपैक्ट करता हो गवर्नमेंट फंड्स को, राइट। जो हमने इनकम में देखा, कैपिटल इनकम में वही डेफिनेशन उसका है, सिर्फ यहाँ खर्च है वहां इनकम है। ये अकाउंट्स लोन्स से आते हैं, ये अकाउंट्स में लोन्स इंक्लूड होगी, लोन्स गिवन टू द गवर्नमेंट सॉरी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द अदर गवर्नमेंट्स। लोन्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दी, जैसे गुजरात स्टेट को लोन दी, फिर रीपेमेंट ऑफ प्रीवियसली टेकन लोन्स, पहले कोई लोन्स ली है तो उसका रीपेमेंट करना, कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ऐसे कोई खर्च, एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस, तो ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। दस अ बजट हैज टू अकाउंट्स, तो इससे ये तय होता है कि बजट के दो अकाउंट्स हैं। एक है करंट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स करंट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, एक अकाउंट है जहां करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है। दूसरा है जहां कैपिटल अकाउंट की जिसे कहते हैं, जहां पे कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बहुत सुनते हैं आजकल जीएसटी, राइट। ये क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अंडर डेमोक्रेसी अ कंट्री हैज टू इनकर एक्सपेंडिचर्स आफ्टर वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज। डेमोक्रेसी के अंदर कंट्री को सारे एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ते हैं, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज में। बिसाइड्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैज टू मेक इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक यूटिलिटीज। और हमारे जैसी कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहां बहुत सारे डेवलपमेंट चाहिए, वहां तो उन्हें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं पब्लिक यूटिलिटीज के लिए। टू मीट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, अब इन खर्चों को, क्योंकि डेवलपमेंट करना तो खर्च करना पड़ेगा, अब उस खर्च के लिए पैसा तो चाहिए,
तो इन खर्चों को संभालने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इनकम बढ़ाती है। ठीक है, अपनी इनकम बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो वो पैसा किसी डेवलपमेंट पे लगाएगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खजाना नहीं है, वो हमसे ही पैसा लेगी और हमारे पीछे ही लुटाएगी। ओके, टैक्सेस आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर अ स्टेट। टैक्सेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले लो या सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्सेस आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये मैंने बहुत बार समझाया है कि टैक्सेस को दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड करेंगे। वन इज डायरेक्ट टैक्स, जो हम डायरेक्टली पे करते हैं टू गवर्नमेंट, लाइक इनकम टैक्स एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे हमने कोई पैकेट भी खरीदा तो वहां पे भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, वी डोंट नो, बट ये इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं। ठीक है, इन इंडिया All form of government, who is central, state or local government, have been collecting various types of indirect taxes. पूरी कंट्री में जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो चाहे सेंट्रल है, वो चाहे लोकल है, वो चाहे स्टेट है, वो सारे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे कलेक्ट करते हैं, जहां हमें पता भी नहीं होता कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं। However, the government of India made constitutional amendments and introduced a common tax called गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन लियो ऑफ मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाके, यानी चेंजेस लाके, एक नया कॉमन टैक्स का लॉ इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे लिया जाता है, या ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। GST became applicable from July 1st, 2017. 2017 से जुलाई फर्स्ट से ये GST जैसा एक जो टैक्स आया वो एप्लीकेबल हुआ। A common tax introduced in lieu of several indirect taxes imposed by the central government and the state governments in India came to be known as good and service tax. Now let's understand the meaning of it. The goods and service tax, in short GST, is an indirect tax levied on the supply of goods and services. जैसे नाम ही goods and services है, यानी हमसे tax लिया जाता है जहां जहां हम goods और services खरीदते हैं, वहां हम GST pay करते हैं। Now तो you can observe कि अगर आप कोई bill ले रहे हो तो पहले वहां नीचे plus करके GST आता है, कि आपका बिल सपोज 1700 का है तो उसमें प्लस वॉट एवर द चार्ज GST का आएगा, 18% GST लेते हैं, राइट, उसके हिसाब से वो अमाउंट आएगा और देन प्लस आपका टोटल अमाउंट होगा। यानी GST अब हर जगह, कोई भी गुड्स ले लो, कोई भी सर्विसेज ले लो, आप बिल ले रहे हो तो यू हैव टू पे GST। ओके, द कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस बाय रिप्लेसिंग वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऐसे बहुत सारे ये कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस्ड करके, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया ऐसा निकाला, दैट इज वी कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्म है, ये हमें समझ में आ गया। इट हैज एनकम्पास्ड सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर अर्लियर इम्पोज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब हम ये कह सकते हैं कि पहले के कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के नए टैक्सेस ला दिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने। द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर GST इज द GST काउंसिल। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है, इसको कौन चलाता है GST? तो एक GST काउंसिल बनाई गई है। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज स्टेटेड टू बी द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। और इसका चेयरपर्सन GST काउंसिल का कौन है, तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, विच वी कैन से निर्मला सीतारामन। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर स्टेट्स टू बी द मेंबर। और जितने भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके होंगे मेंबर्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय GST आर नोटेड एज। कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस्ड करके उसकी जगह GST लाया गया वो देखो। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंटर रिप्लेस बाय GST। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे GST लाया, वो है सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो पहले CST था अब हो गया GST। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, ये उसकी जगह पे GST आ गया, इसको रिप्लेस कर दिया। एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, ये सबका एक ही अब कॉमन नाम है GST। ठीक है,
इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रिप्लेस बाय जीएसटी। अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी लाया? वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम पहले वेट कहते थे, ये बहुत प्रचलित था पहले जीएसटी के, जैसे आज जीएसटी को हम जानते हैं पहले वेट आता था, इसको हटा दिया, हटाया इन द सेंस उसकी जगह जीएसटी ला दिया। मतलब ये जो अलग अलग नाम पढ़ रहे हो, अब उसका एक ही कॉमन नाम है जीएसटी, और कोई फायदा नहीं है। परचेस टैक्स जीएसटी आ गया, ऑक्ट्रॉय जीएसटी आ गया, सेल्स टैक्स जीएसटी आ गया, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एंट्री टैक्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे टैक्सेस हमसे लिए नहीं जाते, ये सारे टैक्सेस एज यूजुअल लिए जाते हैं, बट इसका नाम पहले कुछ था और अब कर दिया है जीएसटी। Thus, several indirect taxes are replaced by only one tax on goods and services. However, the basic custom duty is not substituted by GST. So, जितने भी indirect taxes थे, वो replace होके एक नाम आ गया, वो है GST. But जो custom duty है, उसका substitute GST नहीं है. Custom duty का नाम custom duty ही है. Reasons for introduction of GST. अब क्या सोचा government ने कि GST लाने की जरूरत पड़ गई? In the federal system of governance in India, most of the direct taxes are collected by the central. अब हमारा जो federal system है, see, India have federal system in various ways. हमारा federal system हम judiciary के impact में भी देखते हैं, जैसे judiciary is divided into Supreme Court, High Court and subordinate courts. इसका कारण सिर्फ यही है जो मैंने पहले भी समझाया last part में, just to run in a very systematic manner. वो चाहे जुडिशियरी हो, वो चाहे गवर्नमेंट हो, वो चाहे कोई भी लेवल ऑफ हो, ठीक है, हर एक चीज को सिस्टमैटिक मैनर्स में रन करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया है एरिया वाइज, ठीक है। सो हमारा जो गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम का, राइट, उसने क्या किया कि ज्यादा जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो सारे कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, वेर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एज वेल एज बाय द स्टेट्स। यही जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये दोनों कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट्स भी करती है। States collect indirect taxes to meet their expenditure. However, prior to GST, the rates of the same type of tax were different in different states. और जितना भी state collect करती है, state indirect taxes collect करती है so that के वो state के खर्चे उठा सके, right? और अगर हम GST की बात करें, the rates of the same type of tax, यानी same type of tax जो है GST है, वो अलग अलग states में अलग अलग rate है, right? जैसे मैंने कहा गुजरात में I think 18% है, right? Not sure, but 99% तो मुझे लगता है 18% GST है गुजरात में, पर ऐसा जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में भी उतना ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। Besides, the same goods, services were taxed by the central as well as the state. यानी वही same goods और services central भी और state भी दोनों ही tax करेगी. Moreover, when a good service was transported from one state to another, both the states levied a separate indirect tax on it. जब वही goods हम एक state से दूसरे state में transport करते हैं, तो दोनों states अपने separate indirect taxes लेगी. Hence, the burden of tax and the administrative efforts of a variety of tax on the same goods and service also increased. अब ये समझो कि हम एक ही goods और service पर double taxes pay करेंगे अगर हम उसे एक state से दूसरे state में ले जाते हैं तो, यानी tax का burden बढ़ जाएगा, दूसरा administrative effort, varieties of taxes on the same goods and service also increased. Hence, GST was introduced to impose a single tax on a single good service by eliminating the of multiple taxes, sorry, taxation on a single good service. अब यहाँ पे ये फायदा बोला है कि ये कोशिश ये करेगी कि सिंगल गुड्स और सर्विस पर सिंगल टैक्स ही पे हो. सी, अब जीएसटी अब 18% है, अदरवाइज मल्टीपल टैक्सेस होता था कि भाई ये टैक्स वो टैक्स दो, तो वो भी घुमा फिरा के उतना ही हो जाता था. सो बात सेम ही है. ओके, eliminates the difference in tax rates between states for similar goods and service. दूसरा, tax rates eliminate हो जाता है अलग अलग states के लिए एक ही similar goods का, right? जो यहाँ पे tax हम pay कर रहे हो सकता है दूसरे state में उसी goods और उसी service का tax कुछ और हो.
रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड ईज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। यहाँ फायदा टैक्स कलेक्टर्स को हो रहा है कि उनका जो काम है वो इजी हो गया है टैक्स कलेक्शन का, ठीक है। मेक डिजिटल प्रोसीजर्स फॉर टैक्स ऑफ टैक्स कलेक्शन लेस कॉम्प्लिकेटेड। अब क्योंकि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं सो हर एक चीज अब डिजिटलाइज हो गई है तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए हैं। रिड्यूस टैक्स इवेशन एंड अवॉइडेंस एंड मेक द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर मोर प्रोडक्टिव। दूसरा के टैक्स का जो पहले इतना बड़ा चढ़ा कि इतने सारे टैक्स थे उस इवेशन को रिड्यूस कर दिया है, और दूसरा क्या है कि अवॉइडेंस भी देखा कि वो अवॉइड कर दिया गया है, और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है उसे मोर प्रोडक्टिव करने की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इनकम रेज कर सके। रिड्यूस द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन पीपल, ऐसा कह रहे हैं थियोरेटिकली, पर प्रैक्टिकली यू ऑल नो आई डोंट नीड टू से कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन लोगों पे कम कर दिया है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके भी टाइप्स हैं, जीएसटी के भी टाइप्स हैं। जीएसटी को क्लासिफाइड किया गया है दो ब्रॉड कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, या इसे हम कहते हैं यूटीजीएसटी, और दूसरी कैटेगरीज है आईजीएसटी। द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कैटेगराइज्ड एज दोज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विद इन अ सिंगल स्टेट एंड दोज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बिटवीन द स्टेट्स। द कैटेगरीज ऑफ जीएसटी आर बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस। अब दो डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए जीएसटी को डिवाइड किया है। एक कि एक ही स्टेट में आप गुड्स और सर्विस बेच रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूस भी उसी स्टेट में कर रहे हो, बेच भी उसी स्टेट में कर रहे हो, तो उसका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो अलग कर दिया। और दूसरा कि आप किसी दूसरे स्टेट में प्रोड्यूस करके किसी और स्टेट में बेचने जा रहे हो, या कहीं ना कहीं आप दो स्टेट्स में इन्वॉल्व हो फॉर प्रोडक्शन और सेल्स, वहां की जो कैटेगरी होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो उस बेस पर इन दोनों को डिवाइड किया है। एक आप पर्टिकुलर स्टेट में ही सेल कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरा कि आप दो स्टेट्स में या सेल कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सीजीएसटी और एंड एसजीएसटी, जिसको हम यूटीजीएसटी भी कहते हैं। इफ गुड्स और सर्विस इज प्रोड्यूस विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी देन टू टाइप्स ऑफ जीएसटी आर लेवाइड। अगर गुड्स और सर्विस एक ही स्टेट में या एक ही यूनियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहां पे दो टाइप का जीएसटी लगेगा। एक है सीजीएसटी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से चार्ज्ड होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी जीएसटी रेट है, परसेंटेज है, उसके बेस पर वो चार्ज करेगी। दूसरा एसजीएसटी, या इसको हम कहते हैं यूटीजीएसटी, यानी स्टेट जीएसटी, यानी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, एंड अनदर इज यूटीजीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये चार्ज होगा उस पर्टिकुलर स्टेट्स के जो टैक्स होंगे, ओके, उसके बेस पर। इन केस द प्रोडक्शन एंड सेल इज विद इन अ यूनियन टेरिटरी, अगर वो विद इन अ यूनियन टेरिटरी में हो तो यूटीजीएसटी, यानी उस यूनियन टेरिटरी का जो भी परसेंटेज होगा जीएसटी के, उसके बेस पर। ओके, एग्जांपल, इफ अ गुड इज प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद, अगर एक गुड अहमदाबाद में प्रोड्यूस किया है और भावनगर में आप सोल्ड कर रहे हो, राइट, तो वहां का रेट ऑफ टैक्स होगा 18%, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड इज 100, अगर कॉस्ट ऑफ गुड यानी 100 रुपए गुड की प्राइस है, ओके, और उस पर जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी कैसे लगेगा, टोटल 18% जीएसटी हम पे करते हैं, जिसमें से 9%, 18% का आधा, राइट, यानी 18 का हाफ, यानी 9% ले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% ले जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके बेस पर हुआ टोटल 18%, यानी 100 रुपए पे 18 रुपीज टैक्स होगा, ठीक है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए की है तो हम उस पर 18 रुपए टैक्स पे करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगी, वो प्रोडक्ट हमें पड़ेगी 118 रुपीज पे, तो वो होगा हमारा फाइनल कंज्यूमर पेस, ठीक है। सो अगर 100 रुपए की प्रोडक्ट पे 18 रुपए हम पे कर रहे हैं तो इन वाइस वर्सा यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि फिर 1000 रुपीज है तो फिर कितना हम पे करेंगे इन दैट मैनर। ओके,
सो होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर वेरी वेल. बजट के सिस्टम में ये सब समझना, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड रिजॉल्व वुड बी वेरी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर प्लान्स आल्सो. कि कल को आप अगर कोई बिजनेस करते हो, ऑब्वियस आप बिजनेस करो, जॉब करो, वट एवर, यू नीड टू पे टैक्स एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. सो यू शुड नो कैसा टैक्स होता है और ये लोग किस तरीके से हमसे टैक्स लेते हैं. सो आई थिंक ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम लोगों के लिए. सो विल मीट इन नेक्स्ट part of the same chapter. Up till bye bye, take care all of you.